इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सीटीआरएम के बारे में पढ़ेंगे। तो डायनेमिक्स ऑफ सीटीआरएम, जिसमें कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन दोनों होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। एक सरफेस पर एक डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा है और यहाँ टॉप पर फोर्स एफ फोर्स लग रहा है। ये डिस्क है जिसका रेडियस आर है, ये सारा चीज गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है, जब प्योर रोलिंग करेगा तो सिर्फ एफ फोर्स लगने के कारण ये प्योर रोलिंग नहीं करेगा, यहाँ पे सरफेस में कुछ फ्रिक्शन है तो जिसके कारण ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो हमको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और ये कितने एंगुलर एक्सलेशन से रोटेट कर रहा है ये भी निकालना है, और एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे की ओर कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से इसको पिक्चर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एफ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ये चार फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो आई सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर होता है अगर प्योर रोलिंग कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं प्योर रोलिंग कर रहा है। इस तरह जितना भी रहेगा तो सब प्योर रोलिंग ही वाला क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। तो ये चार फॉर्मूला, जब भी प्योर रोलिंग का क्वेश्चन आए तो ये चार फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, इसको याद कर लेना है। इक्वल टू ओमेगा आर होता है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एफ माइनस स्मॉल एफ, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स एक्सटर्नल कितना लग रहा है, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ए एक्सलेशन, अल्फा तो क्या है एंगुलर एक्सलेशन है ना, उसी तरह टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू आई सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू अल्फा, टॉर्क कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एक एफ का टॉर्क इधर होगा और इसका इधर, इसके कारण इधर और इसके कारण भी इधर, दोनों इनसाइड है इसी कारण दोनों प्लस के साइन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, क्यों, क्योंकि डिस्क है और सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से पास हो रहा है इसी कारण, और परपेंडिकुलर सरफेस है, इंटू अल्फा, अल्फा यहाँ पर था एंगुलर एक्सलेशन, और हम जानते हैं इज इक्वल टू अल्फा होता है, इस दोनों के हेल्प से यहाँ से अल्फा का वैल्यू ए बाई आर पुट करेंगे हम लोग को पता चलेगा, एफ आर आर कॉमन करके इधर भेज देंगे तो कट छट के आएगा, आफ्टर पूरा कटने के बाद क्या आ जाएगा, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए बाई टू। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको इक्वेशन वन मान लेना है और इसको इक्वेशन टू, और वन टू को जब ऐड करेंगे तो एफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एफ बराबर क्या आ जाएगा थ्री एम बाई टू, यहाँ से एक्सलेशन आपका निकल जाएगा, एक्सलेशन निकल जाएगा यहाँ से, और उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए एक्सलेशन का वैल्यू, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू कितना होता है एफ प्लस एफ मास एम बाई टू, और ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो फोर एफ बाई थ्री एम, टू टू से कट जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ से ये वाला चीज़ है यहाँ पे, ये वाला चीज़ ला लिख दिए और यहाँ सिंपली ए का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, तो टू एफ बाई थ्री आ गया, तो यहाँ से एफ का वैल्यू माइनस एफ बाई थ्री आ रहा है। अब देखिए यहाँ से एक्सलेशन निकाले, यहाँ से तो आप अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर होता है, तो फोर एफ बाई थ्री एम आर हो गया। अब यहाँ माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है कि अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हैं इस पर, फ्रिक्शन हमने इस डायरेक्शन में माना, लेकिन फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, अपने आप डायरेक्शन वहां पे वैलिड हो जाता है, आप एज्यूम किधर भी कीजिए लेकिन डायरेक्शन अपने आप वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आप माने अपने मन से, तो डायरेक्शन बता रहा है माइनस साइन इधर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।